सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बजे है 10 और मैं अभी जा रहा हूँ हल्द्वानी। यहाँ पे देखो रोड देखो, काफ़ी गाड़ी का आवाज़ नहीं आता ना, तो यहाँ पे मैं जंगल के क्रॉस करके आया हूँ। वहाँ पे देखो पहाड़ भी है सामने, में दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो आगे का सफ़र थोड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि ना अभी पापा को दिखाने जाना है डॉक्टर। पापा लोग बस में पहुँच गए हैं बस से, और मैं अकेले बाइक में जा रहा हूँ। तो रोड का इतना नज़ारा मस्त था ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। एक तो अकेले में सफ़र कर रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन क्या जो पहाड़ दिख रहे थे, जितने अच्छे अच्छे व्यू थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को अकेले में सफ़र करने के लिए। बीच बीच में जगह पे खड़े होके यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा था, और जो जंगलों का जो नज़ारा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और सुनने में आता है कि इस जंगल में बाघ और भालू सब कुछ आते हैं। तो यहाँ पे ना, जो कि मम्मी पापा और चाचा और मैं, मतलब यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हैं, और क्योंकि डॉक्टर का हम वेट कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलेंगे डॉक्टर के पास। आ गया हूँ घर पे। आगे का वीडियो मैं बना नहीं पाया, इतना बिजी था, तो वहाँ से लेके आया मोमो। अभी जाएंगे ना हम मामा के घर में, गोपी के घर में। ये देखो मादा, सारा दिन मुझसे मिला नहीं, देखो कितना खुश है मुंह पे हंसी, कैसा लग रहा है? मस्त ना, उसी दुकान से लाया। जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे, ठीक है। ये रोड, और पहले कितना गंदा था ना ये रोड, और अभी तो कितना मस्त हो गया। पहले लोगों ने यहाँ पे कितना डेवलप कर लिया है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ये रोड बन रहा है, और ये सारा ना एक वो है, मतलब फैक्ट्री टाइप का जगह है, हर कहीं फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री है। तो यहाँ पे अपना अपना घर बना के, दुकान खोल के सब लोग बना के बैठ जा रहे हैं, और यहाँ का जो प्लॉट है ना, ये सारा बहुत महंगा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। आज तो पूरा खाली पड़ा है ये रोड। तो यहाँ पे ना बाण आता है, तो काफ़ी मतलब सेफ्टी कर रखा है यहाँ, देखो, जिससे कि टूटे ना ये बांध। और अभी तो इतना इजी हो गया है ना, कि थोड़ा घूम के सही भी रहेगा, और पहले ना इधर आने का मन भी नहीं करता। अगर हम नैनीताल जाते थे ना, तो अंदर अंदर से जाना मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मतलब बना है ना, मैं फर्स्ट टाइम रुकी हूँ यहाँ पे ना। मैं फर्स्ट टाइम रुकी हूँ यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ना जेल है, सेंट्रल जेल, तो मतलब यहाँ पे ना कैदी लोग भी आते हैं बाहर बाहर के, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ,
दिखता नहीं है ना, वो दिख रहा है, गोल टाइप का है। मैं सोचती हूँ मुझे थोड़ा अंदर जाने चाहिए थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। तो वो बोलेंगे कि कोई काम करके आओ तभी अंदर जाना। और यहाँ के कैदी लोग ना मतलब खेती बाड़ी करते हैं। वो देखो पूरा लंबा चीज चलेगा साइड। ये जेल का रोड अंदर जाने नहीं देंगे। आप सबको दिखाने के लिए तो ये पीछे है हमारा सेंट्रल जेल। तो चलो अभी चलते हैं घर के साइड, तो फिर कभी आएंगे। और बहुत लोगों ने बोला कुछ नया दिखाओ कुछ नया दिखाओ, यार घर से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ मैं आजकल। हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं अच्छा सा कि मैं आप सबको बाहर निकल के दिखाऊँ, मतलब हमें दूर दूर जाना पड़ेगा आप सबको दिखाने के लिए, अच्छा वीडियो बनाने के लिए। बट अभी संभव नहीं है क्योंकि माधव छोटा है। धीरे धीरे करके सब मैं करने वाली हूँ, बाहर निकलने वाली हूँ। मैं अभी आ गई हूँ ना घर अपने, घूम घाम के। और बड़ी ब्लॉग हमारे ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। डेफिनेट लाइफ स्टाइल है पक्का। मोबाइल अच्छे नजर रहे तक और अरे सब्सक्राइब करो। मेरी चाची है, अरे और ये मेरा बेटा सोया है।